नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉकनेस की वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल ट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डीबी क्रॉप। इसके बारे में हमसे हमारे एक दोस्त वीरेंद्र कुमार जी ने पूछा था। हालांकि कुछ दो दिन बाद हम वीडियो बना रहे, लेकिन दोस्त थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन हमने आपके लिए एनालिसिस किया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग डीबी क्रॉप का चार्ट। यहाँ पर समय प्राइस चल रहा है 122.45 रुपये, और सबसे पहले जान लेते हैं ये स्टॉक करता क्या है, यानी कि ये कंपनी करती क्या है। डीबी क्रॉप इंगेज विद द बिजनेस पब्लिशिंग, न्यूज़पेपर, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इवेंट मैनेजमेंट, इंटरनेट एंड एनर्जी। ये देखिए इस सेगमेंट में काम करता है, प्रिंट एंड पब्लिश मीडिया टाइप के सेगमेंट में काम करता है। और ये कंपनी जो फाउंड हुई थी 1995 में हुई थी, और भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। देख सकते हैं आप लोग पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, इन्हें मीडिया सेक्टर से काम करने वाली कंपनी है। हालांकि इस शेयर में हम लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहां से गिरावट आई है। लास्ट टाइम हाई बना था शेयर ने नवंबर में 2016 में, और उसके बाद से देख सकते हैं अभी तक शेयर में यहां पर हमें 324 रुपये की गिरावट आ चुकी है। बहुत बड़ी गिरावट है इस शेयर में। और अब हमें यहां से ये जानना है क्या ये शेयर यहां से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या करने वाला है, इस शेयर के बारे में हम लोग पता लगाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये शेयर कर क्या रहा है। पहले तो देखिए डाउन ट्रेंड तो हमें समझ ही आ रहा है कि यहाँ से लगातार डाउन ट्रेंड था। जो लोग ट्रेंड को नहीं समझते उन लोगों को इस तरह ट्रेंड समझना चाहिए कि कोई भी शेयर जब नीचे आता है इस फॉर्म में नीचे आता है। तो इस फॉर्म में आप लोगों को देखने के लिए पहले देखना होगा, हाई को देखना पड़ेगा। जितने भी हाई बना रहा हो, जैसे ये हाई बना रहा है, दूसरा हाई बना रहा है, वो हाई प्रीवियस हाई, जो नया हाई होगा प्रीवियस हाई से नीचे होगा, और लो बना रहा होगा वो लो प्रीवियस लो से नीचे होगा। इसी फॉर्म में शेयर नीचे आता है। तो क्या अब ये फॉर्म इस शेयर में बननी बंद हो गई है? अब हम हाई देखने होंगे। एक तो हाई में ये नज़र आ रहा है, एक हाई हमें ये नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में ईजी हो जाए। अब हम इस चार्ट पर फोकस करेंगे इतने से छोटे सेगमेंट पर। एक हाई हमें ये नज़र आ रहा है और प्रीवियस हाई मुझे ये नज़र आ रहा है, दो तीन हाई में से। क्योंकि इससे पहले शेयर क्या कर रहा था देखिए, इससे पहले शेयर क्या कर रहा था देखिए, यहाँ से देखेंगे एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, ठीक है। अब इस फॉर्म तक क्या हो रहा है, यहाँ पर हाई नहीं टूट रहा ना, ये हाई नहीं टूट रहा है, ये हाई नहीं टूट रहा है, पिछला हाई कोई भी हाई जो नया बना रहा है वो पिछले हाई को तोड़ नहीं पा रहा है। और यहाँ पर लो टूट रहे हैं, हालांकि दो तीन बार से लो नहीं टूट रहे थे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, ये लो था टूटा नहीं, ये लो था ये भी टूटा नहीं, जो प्रीवियस लो नहीं तोड़ पा रहा, लेकिन इस बार यहाँ से नया लो बन चुका था, लेकिन उसके बाद से ही वहीं से बाउंस बैक आया। तो मान सकते हैं आप लोग यहाँ से हमें एक ट्रेंड चेंज होने का थोड़ा सा संकेत मिला। अब यहाँ पर हमारे शेयर ने एक नया हाई बनाया था, वो हाई यहाँ पर है कि ये हाई है, और ये हाई जो है हमारा प्रीवियस हाई, प्रीवियस दो हाई से ऊपर ही है। अब यहाँ पर शेयर ने एक और हाई बनाया है, वो हाई भी यहाँ पर जो है प्रीवियस हाई से ऊपर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो बदल रहा है शेयर में। साथ साथ 400 डे मूविंग एवरेज से ऊपर भी शेयर आ चुका है, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव की यहाँ पर हवा चल रही है, हम लोग ये समझ सकते हैं यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर प्रीवियस जो हाई है उन पर अपना सपोर्ट लेवल बनाना है। ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस हाई के आसपास जितने भी हाई थे उस पर सपोर्ट लेवल की एक लाइन बना ली है, जो हमें यहाँ पर सपोर्ट दे रही है। यहाँ पर देखिए इसी लाइन के आसपास देखिए, ये यहाँ पर कैंडल बनी थी 26 सितंबर को, वो ऊपर आ गई। यहाँ पर ये कैंडल जो है वो है हैमर कैंडल, उसके बाद यहाँ पर इसी के आसपास यहाँ पर झूलता नज़र आ रहा है। साथ साथ जब हाई बना था तो RSI भी देख सकते हैं, RSI ओवरबॉट से भी बहुत ऊपर चली गई थी। मैं RSI के बारे में आप लोगों को बहुत बार समझाता रहता हूँ। जब भी मान लीजिए किसी ने यहाँ से अपनी पोजीशन बनाई होगी, या 400 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से भी आपने अपनी पोजीशन बनाई होगी, तो RSI जब भी ओवरसोल्ड हो जाए, यानी 80 की पार निकल जाए, आप लोग अपनी पोजीशन को वहाँ से स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, हल्की कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद करेक्शन आना ही होता है। देखिए RSI में करेक्शन आया, देखिए RSI करेक्शन आया, और यहाँ पर भी करेक्शन आया। ये एकदम लीडिंग इंडिकेटर है,
ये नहीं कि प्राइस होने के बाद बताएगा, प्राइस के साथ साथ आपको बताता रहेगा कि यहाँ पर अपनी पोजीशन को हल्का कर लीजिए। तो देखिए बहुत बढ़िया इंडिकेटर है ये सबसे, 90% जो इन्वेस्टर ट्रेडर रहते हैं उनकी यही शिकायत रहती है कि मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं पोजीशन कहाँ निकाल लूँ। एंट्री तो पता चल जाती है लेकिन निकाले कहाँ, कहाँ पर टॉप बन गया है, कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो RSI इंडिकेटर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, इसका इस्तेमाल आप लोग जरूर कीजिए अपने चार्ट में। ठीक है, सब कुछ बढ़िया, RSI भी कूल डाउन हो चुकी है। अब हमें छोटे छोटे ट्रेंड जो बन रहे हैं शेयर में वो पकड़ने, देखिए यहाँ देखिए एक नीचे आया एक ऊपर आया और यहाँ पर नीचे है। तो अब क्या करना है आप लोगों को ये समझना है कि भैया छोटे छोटे जब ट्रेंड बनेंगे पहले तो ये वाला जो लेवल है ये टूटना चाहिए, नया हाई बनेगा यहाँ से, तभी तो आप लोग एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पर एक जैसे कैंडल बनी, अब यहाँ पर नई कैंडल बनी, तो ये नई कैंडल आप जब बनेगी यहाँ पर उसको इस लेवल को तोड़ना चाहिए, इस लेवल यानी कि एक हायर हाई बनाएगा, पिछला हाई तोड़ेगा तो आप लोग वहाँ पर अच्छी खासी एक एंट्री कर सकते हैं। इस हाई के ऊपर एंट्री करेंगे और ये जो सपोर्ट है इसके नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। इस तरह से वर्क करता है ट्रेडिंग में काम, आपको सोच समझ के करना है कहाँ पर निकलना है। आज भी मुझे कई दोस्तों को कमेंट आ रहा था, वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर निकल क्या करें, निकल जाए नहीं निकल जाए। देखिए दोस्तों कोई आपको नहीं बता सकता कब निकलना है कहाँ निकलना है, और शेयर लेने के बाद तो ये सब बातें सोचनी नहीं चाहिए। शेयर लेने से पहले ही आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि मुझे कहाँ निकलना है, उसी हिसाब से आप लोगों को क्वांटिटी लेनी पड़ती है। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर कोई लॉन्ग की पोजीशन बना ली यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ से बैठ रहा है लगभग 20 रुपये का स्टॉप लॉस आपने लगा लिया, तो 20 रुपये के हिसाब से आप लोगों को क्वांटिटी लेनी होगी। यानी मान लीजिए आप लोग 10,000 का लॉस सह सकते हैं, तो आप लोगों को 10,000 से 20 से डिवाइड करना होगा, जो क्वांटिटी निकलेगी वो आपकी क्वांटिटी होगी, उससे आप लोगों को बाय सेल करना है। ठीक है, समझ गए ना, फिर आपके क्या होगा, कोई घबराने की बात नहीं आएगी, आप लोग उस समय समझदारी से डिसीजन ले पाएंगे। तो इसी तरह से वर्क करता है टेक्निकल एनालिसिस, और यहाँ पर आप लोगों को सोच विचार करके अपनी क्वांटिटी को बाय सेल करना चाहिए। देखिए और उसके बाद ये यहीं तक ही क्यों आया, एक तो हमें RSI बता रही थी कि ओवरसोल्ड हो गया, ऊपर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था, और ये रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जब अब यहाँ से नई कैंडल बनेंगी ऊपर जाएंगी तो ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ के निकलेंगी, ठीक है, ये तोड़ के निकलेगी या फिर वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा या फिर वहाँ से टकरा के नीचे भी आ सकती है। तो ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उन पर आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। ये नहीं कि इसी शेयर में वर्क करेगा, ये सभी चीज़ें हर स्टॉक में वर्क करेंगी, बस आपको हाई लो रेजिस्टेंस सपोर्ट ढूंढने आने चाहिए, जिनके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना ली है, वीडियो बना के रखी है, आप लोग जाके देखेंगे कोर्स में, आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, वहाँ जाके देखेंगे तो सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं फंडामेंटल पे, फंडामेंटल पे देखें रेवेन्यू, भाई देखिए कंपनी चाहे कैसी भी हो कैसा चार्ट बन रहा हो लेकिन पैसे कमाएगी तभी तो ऊपर जाएगी ना। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है इस कंपनी ने, उससे पहले लगभग 480 करोड़ का, 500, 550, 450, 300 इसी लपेट में ये रेवेन्यू जनरेट करती है। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं 13%, 12%, 26%, 22% रही है इस कंपनी की, तो नेट प्रॉफिट में जाएंगे 31 करोड़, 24 करोड़, 86 करोड़, तो घबराने की बात नहीं है। देखिए प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, लगातार 3-4 तिमाही से प्रॉफिट अर्न कर रही है, और यहाँ पर 2 तिमाही से बढ़ के भी आ रहा है। अगर अब इस तिमाही में रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, जो कि यहाँ पर आने वाला है, हमें मिलेगा आज ही रिजल्ट आना है, किसका रिजल्ट आज ही आना है भाई इसका, अगर आज रिजल्ट आ जाता है इसका अच्छा, तो फिर हमें यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए यहाँ सपोर्ट पे बैठा है, रिजल्ट अच्छा है तो फक करके ऊपर जाएगा। रिजल्ट का इंतजार करिए, आज ही रिजल्ट आएगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है इस कंपनी में। रिजल्ट खराब आएगा तो नीचे भी जा सकता है, 400 फिर उसके बाद 400 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, कुछ सपोर्ट तो चार्ट पर होते हैं, कुछ सपोर्ट हमें EMA के सपोर्ट पर भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ब्लाइंडली बाय मत कीजिए, सेल मत कीजिए। आप लोगों को यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस या फिर चार्ट क्या कह रहे हैं उस हिसाब से, फंडामेंटल क्या कह रहे हैं उस हिसाब से आपको बाय सेल करना है। और दोस्तों इसीलिए हम लोग आपके इस शेयर मार्केट की जंग में, जंग बोलिए दोस्तों ये कोई खेल नहीं है, ये जंग है, इस जंग में आप लोगों को एक मजबूत सिपाही बनाकर हमें तैयार करना है। इसी के लिए हम लोग आपके लिए
मार्केट में उपलब्ध बहुत सारे एक्सपेंसिव महंगे महंगे कोर्स को हम लोगों ने आपके सरल भाषा में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए हैं इस चैनल पर। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों हमारी इस ज्ञान को फ्री बांटने की मुहिम में आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और उन दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुँचाना है जो दोस्त सच में ज़रूरतमंद है, जो सीखना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं इस स्टॉक मार्केट में, उन दोस्तों तक हमारी वीडियो को आप लोगों को पहुंचाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी सीखिए। दोनों प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, या तो आप टेक्निकल एनालिसिस से शुरू कर सकते हैं या तो आप लोग बेसिक स्टॉक मार्केट से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते किसी और स्टॉक के बारे में जानना समझना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा जैसे कि हमने अपने इन दोस्त के लिए वीडियो बनाई है। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।